नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, ट्रांसफर ओब्लिक समायोजन के संबंध में दो महत्वपूर्ण आदेश पारित हुए हैं, जिनमें पहले आदेश की वीडियो बना चुका हूं और दूसरा आदेश है परिषदीय शिक्षकों के जनपद के भीतर लंबे समय बाद विकल्प के आधार पर ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में होंगे शिक्षकों के तबादले। किस तरह से तबादले होंगे, क्या आदेश में कहा गया है, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहा गया है। ये आदेश प्रेषित किए हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश ने, सेवा में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, 14/10/2022 का आदेश है और उसका विषय है ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का विकल्प के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक संख्या दी गई दिनांक 31 मार्च 2021 और दिनांक 24/12/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का विकल्प के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में प्रस्तावित किया गया था। उक्त प्रस्ताव में निम्नवत संशोधन करते हुए पुनः प्रस्तावित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषद विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का नगर क्षेत्र में स्थानांतरण की प्रक्रिया NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपादित किया जाएगी। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या दी गई दिनांक 28/10/1996 द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषद विद्यालयों से नगर क्षेत्र में स्थानांतरण की प्रतिबंध होने, नगर क्षेत्र में नवीन नियुक्ति का प्रावधान न होने और विगत वर्षों में अध्यापकों के सेवानिवृत्त होने के कारण नगर क्षेत्र के विद्यालयों में अधिक संख्या में अध्यापकों के पद रिक्त हो गए हैं, जबकि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 में निहित प्रावधान अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक अध्यापकों पद की नवीन नियुक्तियों में पर्याप्त क्षमता में अध्यापक उपलब्ध हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय स्थानांतरित विकल्प के आधार पर निम्न कारणों से विचार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात पूर्व की तुलना में नवीन भर्तियों, पदोन्नति और समायोजन इत्यादि के कारण बेहतर हुआ है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में नियुक्तियों पर प्रतिबंध होने, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति इत्यादि कारणों से शिक्षकों की संख्या में अत्यधिक कमी हो जाने कारण पठन पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है। कार्यालय स्तर पर उपलब्ध सूचना के आधार पर नगरीय क्षेत्र में अवस्थित प्राथमिक और उच्च स्थिति निम्नलिखित है। देखिए, बताया गया है प्राथमिक विद्यालय, विद्यालयों की संख्या 3,906, नामांकन दिया गया है शिक्षकों की आवश्यकता है 14,939, लेकिन कार्यरत शिक्षक हैं 3,390, शिक्षकों की संख्या जिनकी आवश्यकता है 11,549, 77%, और उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्थिति है 1,198, नामांकन और है 4,430 और कमी है 2,630 की, 1,800 की हमें आवश्यकता है। तो देखिए, 40% है वहां पर आवश्यकता रिक्तियां। उपरोक्त अनुसार नगरीय क्षेत्र में अवस्थित प्राथमिक विद्यालयों में RTE मानक के अनुसार 11,549, 70% और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1,800 यानी कि 40% पद रिक्त हैं। अत्यधिक संख्या में पद रिक्त होने के कारण विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधि और छात्र नामांकन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। उक्त स्थिति में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्राविधानों का अनुपालन करना संभव नहीं हो पा रहा है। उक्त के दृष्टिगत यह अपरिहार्य है कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में तर्कसंगत तैनाती की जाए। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में उनके विकल्प के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित करते हुए स्थानांतरण पर विचार किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय कार्यरत सहायक अध्यापकों का विकल्प के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में संशोधित प्रस्ताव है, जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष बनाए गए, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, प्राचार्य जिला और शिक्षा परिषद सदस्य होंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे और वित्त और लेखाधिकारी सदस्य होंगे। ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में कार्यरत सहायक अध्यापकों के स्थानांतरण निम्नलिखित प्रतिबद्ध शर्त मान्य होंगी, क्या क्या होंगी? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का नगर क्षेत्र में स्थान की प्रक्रिया
एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपादित की जाएगी। ऐसी सहायक अध्यापक अध्यापकी जो अपनी तैनाती या कार्यरत जनपद में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हों, वह आवेदन के करने हेतु पात्र होंगे, जिनकी 10 साल हो गई है। असाध्य या गंभीर रूप से ग्रसित अध्यापक अध्यापिका तथा दिव्यांग अध्यापक अध्यापिका के संबंध में उपरोक्त बिंदु 2 में अंकित न्यूनतम सेवा पूर्ण करने संबंधी शर्त लागू नहीं होंगी। ऐसे समस्त अध्यापक अध्यापिका आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका वेतन भुगतान नियमित रूप से हो रहा है, वे संतोषजनक सेवा पूर्ण की हो, वे आवेदन करने के पात्र होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषद विद्यालय जिनमें 2 या 2 से कम अध्यापक कार्यरत हैं, ऐसे विद्यालयों के अध्यापक अध्यापक आवेदन करने हेतु प्राप्त नहीं होंगे। स्थानांतरण में यह ध्यान रखा जाएगा कि स्थानांतरण उपरांत ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित संबंधित परिषद विद्यालय में 2 अध्यापक कार्यरत बने रहें। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में स्थानांतरित तो आवश्यक तकनीकी चरण जनपद में उपलब्ध रिक्तियों का चिन्हांकन करते हुए उक्त सूचना को निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। नगर क्षेत्र में स्थानांतरण के पूर्व अध्यापकों से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाएगा कि वे नगर क्षेत्र में स्थानांतरण के बाद अपने संवर्ग में सबसे निम्न स्थान पर होंगे। ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों में विकल्प के आधार पर स्थानांतरण हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन एनआईसी लखनऊ द्वारा विकसित वेबसाइट पर स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन पत्र, रजिस्टर्ड स्पीच पोस्ट, कोरियर, दस्ती आदि से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विद्यालय आवंटन ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा प्रत्यक्ष से किया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। आवेदन पत्र में अध्यापक द्वारा की गई किसी भी त्रुटि या गलत आवेदन के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन किसी स्तर पर अनुमन्य नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक द्वारा अपना पूर्ण विवरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र में भरा जाएगा तथा फोटो एवं हस्ताक्षर निर्दिष्ट स्थान पर करके अपलोड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से 1 टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसे वेबसाइट पर निर्दिष्ट स्थान पर भरकर रजिस्ट्रेशन पत्र का प्रिंट आउट अध्यापकों द्वारा लेते हुए रजिस्ट्रेशन पत्र सुरक्षित रखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन के उपरांत अध्यापक अध्यापिका द्वारा अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण किया जाएगा। संबंधित अध्यापक अध्यापिका द्वारा भरे गए रजिस्ट्रेशन पत्र और आवेदन से संबंधित अभिलेखों की छाया प्रतियों को स्वयं प्रमाणित कर जिला विशिष्ट कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य काउंसलिंग का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें शासनादेश के में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र और अभिलेखों उपलिख प्रमाण पत्रों के सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। तत्पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य ऑनलाइन सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष वरिष्ठता के आधार पर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। गुणांक के लिए आधार पर वरिष्ठता निर्धारण निम्नलिखित होगा। सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1 वर्ष, अधिकतम आपको 15 मिलेंगे। असाध्य या गंभीर रूप से ग्रसित अध्यापक अध्यापिका स्वयं या पति पत्नी अविवाहित पुत्र या पुत्री 15 अंक मिलेंगे। दिव्यांग अध्यापक अध्यापिका को 10 अंक मिलेंगे। शिक्षक शिक्षिका जिनके पति या पत्नी से सरकारी सेवा, भारत सरकार, भारतीय जल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल या उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के अधीन में कार्यरत हैं, उन्हें 10 अंक मिलेंगे। एकल अध्यापक पुत्र पुत्रियों के अकेले पालन करने के अध्यापक को 10 अंक मिलेंगे। महिला अध्यापिका को 5 अंक मिलेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिका को 5 अंक मिलेंगे। राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक 3 अंक मिलेंगे। उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग लखनऊ दिनांक 27 दिसंबर 2000 के परिशिष्ट में दी गई गंभीर असाध्य रोग की सूची के अनुसार ही लाभ देय होगा। गंभीर ओब्लिक असाध्य रोग में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, SGPGI सैफई, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ये दिए गए हैं, इनसे ही उपचार चल रहा हो, अन्यथा उपचार कराया गया हो द्वारा निगत चिकित्सा प्रमाण पत्र चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतीक्षा होने पर ही लाभ दे होगा। दिव्यांग अध्यापक अध्यापक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निगत प्रमाण पत्र जिनकी विकलांगता 40% से अधिक हो उसके लिए मान्य होगा। अध्यापक अध्यापक द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी या कूट रचित पाए जाने पर संबंधित अध्यापक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त करने के संबंध में प्रत्यक्ष आदेश निर्गत किए जाएंगे।
स्थानांतर के उपरांत संबंधित जिला विषय अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल या मानव संदा पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। शासनादेश निर्गत होने के 10 कार्य दिवस में स्थानांतर प्रक्रिया के लिए पोर्टल खोला जाएगा। अतः अनुरोध है ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का नगरीय क्षेत्र में विकल्प के आधार पर स्थानांतरण किए जाने के संबंध में यथावश्यक शासनादेश निर्गत करने का कष्ट करें। तो ये आदेश दिए हैं विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा है। साथियों, समायोजन के आदेश भी हो गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में स्थानांतरण के आदेश भी हो गए, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर का कोई आदेश अभी नहीं जारी हुआ है, जबकि म्यूचुअल ट्रांसफर का आदेश भी साथ के साथ जारी होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। क्या कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।